बाल तेजी से लंबे और घने होंगे, केवल इस चीज को आप बालों में पोत लेना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोगानुसार में एक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। दोस्तों आजकल बालों का कम बढ़ना और बालों में चमक न होना ज्यादातर लोगों की परेशानी बनता जा रहा है। बालों की परेशानियों को दूर करने के लिए कई बार लोग महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट्स बालों को नुकसान भी पहुंचाते हैं और बालों को जल्दी लंबा करने के लिए आप घरेलू उपायों की भी मदद ले सकते हैं। दोस्तों महिलाओं के लिए अपने बाल ही शान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बालों से जुड़ी कई समस्याएं जैसे बाल झड़ना, डैंड्रफ होना और दो मुहे बाल जैसे अन्य समस्याएं महिलाओं के परेशानी का कारण बन सकती है। इस समस्या को दूर करने के लिए हर व्यक्ति अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट के लिए पैसे खर्च कर देता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को लगाते हैं, आयुर्वेदिक चीज़ों को अपनाते हैं, तो आपके बाल तेजी से लंबे और घने होंगे, वो भी बहुत ही कम समय में। लेकिन इसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, दोस्तों आंवला में एंटी एलिमेंट्री एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक के साथ साथ एक्सफोलिएटिंग के गुण होते हैं, जो बालों के जड़ों को स्वस्थ बनाते हैं और बालों के विकास को भी बढ़ाते हैं। इसका उपयोग करने के लिए आप एक चम्मच आंवला या फिर आंवला पाउडर को दो चम्मच नारियल के तेल में मिलाकर गर्म करें। अब इस तेल को छान लें और गुनगुना होने के बाद सोने से पहले अपने बालों और जड़ों में लगा लें। इसके अगली सुबह हमेशा की तरह अपने बालों को शैम्पू से धो लें। नंबर दो, दोस्तों यदि आपके पास एलोवेरा का पौधा है तो इसे बेहतर कुछ और नहीं है, इसका आप अपने बालों पर इस्तेमाल करें। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके के लिए केवल एक कप जेल को आप निकाल लें और उसे दो चम्मच अरंडी के तेल और इतनी ही मात्रा में मेथी पाउडर में मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लें। अब इस मिश्रण को बालों की जड़ों पर और स्कैल्प पर अच्छी तरह से लगाएं और इसे बालों को अच्छे से ढक लें। दोस्तों ये प्रक्रिया आप रात में करें और सुबह आप शैम्पू से अच्छे से धुल लें। जी हाँ दोस्तों, रात में आप बालों में लगा लें और सो जाएं, सुबह आप बालों को अच्छे से पानी और शैम्पू की मदद से साफ कर लें। इस प्रक्रिया को आप सप्ताह में दो बार कर सकते हैं। नंबर तीन, दोस्तों बालों के इलाज के लिए प्रोटीन से भरपूर अंडा सबसे अच्छा घरेलू उपाय माना जाता है। अंडे का इस्तेमाल करने के लिए अपने बालों की लंबाई के अनुसार एक या दो अंडे लेकर इसे ठीक से मिला लें। अब अंडे को गीले बालों में लगाकर आधे घंटे के लिए बालों में लगा हुआ छोड़ दें, फिर अपने बालों को गुनगुने पानी से धोकर शैम्पू कर लें। आप इस प्रोटीन ट्रीटमेंट को एक या दो बार हफ्ते में कर सकती हैं। नंबर चार, दोस्तों प्याज का रस आप बालों में लगाकर बालों को लंबा और घना कर सकती हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। इसके लिए आप प्याज के रस को निकाल लें, फिर इस रस को अपने बालों पर अच्छे से लगा लें। जी हाँ दोस्तों, इस रस को बालों पर और जड़ों में, खासकर जड़ों में अच्छे से लगाएं, फिर 15 मिनट बाद बालों को शैम्पू कर लें। नंबर पाँच, दोस्तों जैतून का तेल अपने बालों में घना और लंबा करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके बालों को कोमल और मजबूत भी बनाएगा। जैतून के तेल का प्रयोग करने के लिए अपने बालों और जड़ों में गर्म तेल से मसाज करें और ऐसे ही 30 से 45 मिनट के लिए लगा हुआ छोड़ दें, फिर बालों को पानी से धोने के बाद शैम्पू से धो लें। आप अपने बालों में तेल को रात भर के लिए लगा हुआ छोड़ सकते हैं और फिर सुबह को शैम्पू कर लें।